नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक ऐसे हैंड का जो कि विदेश में रहते हैं और इनके पाम में बहुत सारे तरह तरह के चिन्ह हैं जो हम देखेंगे और जानेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर इनके पाम की तरफ ध्यान से देखें तो ये एक बड़ा सा पाम है। देखिए कुछ इस तरह से, अगर पाम की शेप देखें तो कुछ इस तरह से बड़ा सा पाम है। बड़े पाम का मीनिंग होता है बिग ड्रीम्स, बिग प्लानिंग्स। ऐसे पर्सन्स लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए अचीवमेंट का कोई अंत नहीं होता है। इनकी जो गुरु फिंगर है, अगर फर्स्ट फिंगर देखें, ये शनि फिंगर यानी मिडिल फिंगर की तरफ इंक्लाइंड है। ये दिखाती है कि ये रिलीजियस माइंडेड हैं, धार्मिक विचारों के हैं और धर्म में काफ़ी आस्था रखते हैं। अब इनकी देखें तो शनि की फिंगर भी इधर की तरफ इंक्लाइंड है। ऐसे में पर्सन कई बार थोड़ा ऑकल्ट की तरफ भी झुकाव रखता है। और इनकी अगर देखें सूर्य और गुरु की फिंगर का मैचिंग बिठाएं, कंपैरिजन करें, तो गुरु की फिंगर लंबी है। ऐसे लोग लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर काफ़ी गैप है, तो ऐसे लोग पैसा खर्च काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। ऐसे पर्सन्स को हम ये कह सकते हैं खुले हाथ से पैसे खर्च करने वाले। और ये जो बुध की फिंगर है, ये देखिए ये छोटी है, हालांकि थर्ड पैलेस तक नहीं पहुंच रही है। थोड़ा इसका झुकाव इधर सूर्य फिंगर पे। ऐसे लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, ऐसे लोग बहुत ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को बारीकी से, डीप थिंकर होते हैं, और कहना चाहिए गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड और बहुत खोजबीन करने वाले, रिसर्च करने वाले पर्सन होते हैं। अब अगर इनके आते हैं गुरु पर्वत की ओर, गुरु पर्वत पर एक देखिए क्रॉस भी है और साथ में एक स्क्वायर। जब गुरु पर्वत बड़ा होता है तो जब गुरु पर्वत पर ये चिन्ह पाए जाते हैं, देखिए कुछ इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें, ये देखिए इस तरह से एक स्क्वायर का चिन्ह फॉर्म हो रहा है। जब इस तरह से स्क्वायर का चिन्ह फॉर्म होता है तो ऐसे में इंसान के ड्रीम्स बहुत होते हैं, फैंटेसी होती है, प्लानिंग्स इन लाइफ होते हैं। साथ में ये एक तरह का क्रॉस भी बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस की फॉर्मेशन भी है जो बताता है इंसान की पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें इनके शनि पर्वत की ओर चलें, शनि पर्वत पर ध्यान देने योग्य बात है, ये देखिए शनि पर्वत पर इस तरह से ये बहुत बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है और इस तरह से डबल स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। जब डबल स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, ऐसे पर्सन्स जीवन में काफी खर्चा करते हैं और ये कहना चाहिए कि अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा करते हैं। और ये जो स्क्वायर्स हैं, ये इनके बताता है ओल्ड एज बहुत लग्जरियस रहेगी, बड़ा हाउस, बड़ी प्रॉपर्टी लाइफ में बना पाएंगे। सूर्य पर्वत की ओर चलें तो ये देखिए सूर्य पर्वत की ओर चलें तो यहाँ पर एक वाई है इस तरह से, और जो कि एक कंप्लीट इस तरह से कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ काइट का सा शेप ले रहा है। ऐसे में जब ये काइट का शेप ले लेता है तो समझना चाहिए पर्सन को नेशनल और इंटरनेशनल फेम मिलता है, ऑनर मिलता है ऐसे पर्सन को। और सूर्य की फिंगर पर अगर हम देखें, ये देखिए सूर्य की फिंगर पर, ये देखिए सूर्य की फिंगर पे एक एक्स्ट्रा फैलेंज है। एक्स्ट्रा फैलेंज का मतलब होता है कि जैसे कि ये एक तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है, साथ में ये सूर्य पर्वत को बल भी देता है। कुछ लोगों का मानना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये नुकसान करती है, बट अगर हम जब हम अपने एंशियंट टेक्स्ट की स्टडी करते हैं तो ये बताती है कि ये सूर्य पर्वत को बल देती है, ये एक एक्स्ट्रा फैलेंज क्रिएट करती है, तो उसमें सूर्य पर्वत के लिए एक बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, गुड फॉर्च्यून लेकर आती है। और कई बार ये एक बोन फ्लेक्सिबिलिटी का सिंबल भी होती है अगर साइंटिफिकली देखें तो। आप चलते हैं इनके बुध पर्वत की ओर। बुध पर्वत कहता है इनका, ये देखिए बुध पर्वत पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं इस तरह से। ऐसे पर्सन जो होते हैं बहुत डीप थिंकर होते हैं, गुड ऑरेटर यानी बोलने चालने में काफ़ी अच्छे होते हैं, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे देते हैं, हेल्पफुल पर्सन होते हैं, और कई बार इनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। और ऐसे लोग ये कहना चाहिए हीलर होते हैं, लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, लोगों की हेल्प करना इनको इनका एक तरह से पैशन हॉबी होता है।
अब इनके हाथ में अगर यहाँ देखें तो नीचे एक छोटी बिजनेस लाइन डेवलप हो रही है, यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये कि बिजनेस लाइन डेवलप हो रही है इस तरह से, और ये लाइन जिस तरह से थोड़ी डिस्टर्ब है, थोड़ी लहराती भी चल रही है, तो कई बार पेट के रोग भी देती है। और अब हम चलते हैं इनके मंगल पर्वत की ओर। मंगल पर्वत अगर हम बाहरी मंगल देखें तो काफ़ी उभरा हुआ है, वेल डेवलप्ड है। तो ऐसे में पर्सन बहुत हिम्मती और साहसी होते हैं, जितनी भी मुश्किलें आती हैं उनको बहुत ब्रेवरी से डील कर जाते हैं। और अगर हम इनके अंदरूनी मंगल की ओर देखें, देखिए अंदरूनी मंगल ये भी डेवलप्ड है। ये बताते हैं कि अंदर से भी ये काफ़ी डेवलप्ड है और अंदर से भी काफ़ी मजबूत हैं, एक तरह से कि बाहर से भी मजबूत और अंदर से भी मजबूत, कोई इनको किसी चीज़ का डर नहीं होता ऐसे पर्सन्स को। और ये देखिए चंद्र पर्वत की ओर जब हम आते हैं, देखिए ये चंद्र पर्वत अगर हम इनका देखें, काफ़ी डेवलप्ड है इनका चंद्र पर्वत। तो ये बताता है कि जब इन लोगों का चंद्र पर्वत काफ़ी डेवलप्ड होता है, ये देखिए इस तरह से बाहर का हिस्सा, ये बाहरी हिस्सा ये इतना उभरा हुआ होता है, तो ऐसे में पर्सन जो है अपनी कंट्री से बाहर निकल के दूसरी कंट्री में यानी विदेश में जाके जॉब करता है। फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना, एक तरह से सेटलमेंट होना पर्सन का, इनकम फ्रॉम फॉरेन पीपल यानी विदेशी लोगों से इनका काफ़ी बेनिफिट मिलता है इनको। और इनकी भाग्य रेखा भी देखें तो यहाँ से निकल रही है। और अब हम चलते हैं इनकी शुक्र पर्वत की ओर, पर उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि केतु माउंट पर फॉर्म हो रहा है। तो वो हमें बताता है कि ऐसे में ये पर्सन जो होते केतु के ऊपर ट्रायंगल, ये धन लाभ का योग बनाता है। ऐसे में पर्सन को बचपन में काफ़ी धन लाभ, सॉरी जीवन में काफ़ी धन लाभ के योग बनते हैं। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत की ओर। देखिए शुक्र पर्वत इनका काफ़ी घेराव लिया हुआ है, ये देखिए काफ़ी बड़ा घेराव है और बहुत डेवलप्ड है। तो ऐसे में पर्सन का जब शुक्र बहुत डेवलप्ड होता है तो ऐसे पर्सन को एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ब्रांडेड चीज़ों का बहुत शौकीन होता है, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा रहन सहन उनको उनको अच्छा लगता है, उनका शौक होता है। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। ये देखिए अगर हम इनके थंब की ओर, अब इनके थंब की ओर अगर हम ध्यान दें, ये देखिए थंब काफ़ी मजबूत थंब है। ऐसे पर्सन्स जो होते हैं लाइफ में कहना चाहिए लॉजिक पावर बहुत अच्छी है इनकी अगर हम देखें, साथ में विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर एक यव की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये यव बताता है कि लाइफ में बीच में एक तरह से मिडिल एज में 25 से 50 की तक की एज में ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत राइज करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ये कहना चाहिए एक मजबूत पर्सनैलिटी होती है, कोई उनको अपने डर से या अपने दबाव में आके उनको दबा नहीं सकते। ऐसे लोगों को किसी के डर से या किसी की बातों में आके दबते नहीं हैं। लाइफ लाइन की ओर चलते हैं। ये देखिए लाइफ लाइन इनकी यहाँ से काफ़ी जिगजैग हो रही है, अगर हम इधर से देखें इस पोर्शन से तो ऐसा लगता है कि बचपन में कोई बीमारी या कोई किसी तरह से जैसे हेल्थ इश्यूज इन्होंने देखी हैं। अब आगे अगर इनकी लाइफ लाइन में चले, यहाँ पर आके इनकी लाइफ लाइन कट हो रही है और यहाँ से फिर आके जुड़ रही है। इसका मतलब अगर हम इस एज को देखें तो ये अराउंड 45 से 50 के एज का टाइम पीरियड है और जिसमें कोई चेंज देखा जा सकता है। तो ऐसे में इंसान की लाइफ में बड़ा चेंज आता है और ये एक पॉजिटिव चेंज रहेगा क्योंकि ये रेखा बाहर से निकल रही है। अब चलते हैं इनकी फेट लाइन की ओर। और अगर हम इस लाइन में देखें, जैसे अगर हम लाइफ लाइन में देखें, बीच बीच में काफ़ी कट्स हैं, ये देखिए बीच बीच में बहुत कट्स हैं। ऐसे लोग टेंशन बहुत लेते हैं लाइफ में, काफ़ी टेंशन्स लेते हैं। अब चलते हैं इनकी फेट लाइन की ओर। फेट लाइन इनकी निकल रही है यहाँ से चंद्र पर्वत की ओर से। तो ऐसे लोग विदेश में इनको बेनिफिट मिलता है, विदेश ये कहना चाहिए विदेश में जॉब करना, तो ऐसे विदेश से इनकम होना। अब अगर हम इनकी फेट लाइन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इधर की तरफ ये देखिए इस एज में एक कट आ रहा है। कट का मतलब होता है, देखिए एक दो तीन कट आ रहे, एक इधर आ रहा है 27-28 साल की एज में, एक आ रहा है 38 की एज में, ये देखिए तो इस तरह से एक कट आ रहा, और एक आ रहा है 48 से 50 की एज में। तो
ऐसे एजेस में जब कट्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में या तो कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, पर कई बार हाथ में अच्छे चिन्ह होने की वजह से फाइनेंशियल लॉस ना होके कोई चेंज का संकेत देते हैं ये चीज। तो इस तरह से इनकी लाइफ में ये तीन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं, और इसमें देखिए, इसमें जो लाइफ में अगर हम इनके रुपए पैसे की बात करें तो लाइन बहुत स्मूथ चलती जा रही है आगे तक, एंड तक, यहाँ शनि पर्वत तक जा रही है। तो इसका मतलब ओल्ड एज तक पैसा बना रहेगा, इनको रुपए पैसे की कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं। अब चलते हैं इनके माइंड लाइन की। अब माइंड लाइन को अगर देखें यहाँ से, ये काफी डिस्टर्ब है ये। अगर हम देखें तो इनकी लाइफ में इनके 25 साल, 25-26 साल तक का टाइम पीरियड थोड़ा जैसे टेंशन भरा रहा, और अगर हम उसके बाद का टाइम पीरियड देखें तो ये स्मूथ चला आ रहा है। तो ऐसे में इंसान की टेंशन खत्म हो गई। कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होता है, जैसे 26 साल तक तो इंसान परेशान रहा, 27-28 साल में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिससे इंसान की सारी मेंटल परेशानियां चली गई। अब चलते हैं इनकी हार्ट लाइन की ओर। हार्ट लाइन में यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो काफी सारे ऑफशूट से, ये देखिए इस तरह से ब्रांचेस से निकल रही हैं। ऐसे पर्सन बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। हेल्प करना इनकी नेचर होती है, और हेल्प करे बगैर ये मानते नहीं है। जरा किसी ने कुछ रोना रोया और ये हेल्प करने लग जाते हैं, और बाद में वही लोग इनको उनसे किनारा भी कर लेते हैं। अब इनके हाथ में हमने एक तो ये देखिए बहुत सारे सिंबल्स हमने देखे कि एक तो एक काइट का सिंबल है यहाँ पर, इस तरह से हमने देखा, और एक एक्स्ट्रा फैलेंज भी था इनके हाथ में, ये देखिए एक्स्ट्रा फैलेंज। और देखिए तो यहाँ पर एक डबल स्क्वायर भी देखा जो कि काफी बेनिफिट देगा इनको लाइफ में। तो इस तरह से इनके पाम का ये एनालिसिस था, और काफी इनके हैंड में बहुत अच्छे सिंबल्स हैं जो इनको लाइफ में काफी आगे बढ़ने के मौके देंगे। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।